हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ 2020 से टॉप 200 करंट अफेयर्स क्वेश्चन का पार्ट टू डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फुल डिटेल में कवर किया है। इससे पहले मैंने पार्ट वन में 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फुल डिटेल में कवर किया था। जो अक्टूबर महीने का फुल मंथ कंप्लीट पीडीएफ है, जिसमें मैंने पार्ट वन पार्ट टू दोनों एक साथ कवर किया है। इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में मैंने अक्टूबर महीने के 250 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फुल डिटेल में कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया देश में भारत के नए राजदूत बने हैं मनोज कुमार भारती। इंडोनेशिया देश की राजधानी है जकार्ता, राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, मुद्रा है रुपया। अब आपको 3-4 देशों में भारतीय राजदूत के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? पाकिस्तान देश में भारत के उच्चायुक्त हैं अजय बिसरिया, चीन देश में भारत के राजदूत हैं विक्रम मिश्री, अमेरिका देश में भारतीय राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं TS त्रिमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 2 है, NTPC के CMD गुरदीप सिंह का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो NTPC के CMD गुरदीप सिंह का कार्यकाल अगले 5 वर्षों के लिए यानी कि जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया गया है। NTPC जिसका पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1975, मुख्यालय है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश को 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो भारत को अगले 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम शहर में, वर्तमान में इसके हेड हैं उपेंद्र त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार में किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो मनीष सिसोदिया को रोजगार एवं श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं मनीष सिसोदिया। अब हम कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे जो कि दिल्ली सरकार से रिलेटेड हैं। जैसे दिल्ली ने रेड लाइट ऑन गाड़ी आप अभियान शुरू किया है, वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी शुरू किया है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है, ऑपरेशन शील्ड तथा 5T योजना शुरू किया था, कोरोना वायरस के दौरान रोजगार बाजार नामक पोर्टल शुरू किया है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू किया है। ये सारी जो योजनाएँ हैं दिल्ली सरकार से रिलेटेड हैं। दिल्ली जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो भारत के केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अब हम समझते हैं कि सचिव किसे कहते हैं। तो किसी भी विभाग या फिर मंत्रालय का जो सीनियर IAS ऑफिसर होता है उसे हम उस विभाग का सेक्रेटरी कहते हैं। अब आपको 5 सचिव के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा, भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, भारत के गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, भारत के वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे, भारत के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को। तो भारत के राजदूत के रूप में यूनेस्को में नियुक्त किया गया है विशालवी शर्मा को। यूनेस्को जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की वर्तमान में हेड हैं आंद्रा अजोले, मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945। अब आपको 3-4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के राजदूत के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं TS त्रिमूर्ति, विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत हैं ब्रजेंद्र नवनीत, एशियाई विकास बैंक ADB में भारत के उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में आपको चार संस्थानों का मुख्यालय मिलेगा, कौन कौन से? यूनेस्को, एफएटीएफ, आईईए, ओईसीडी। इन चार संस्थानों का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 के समर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ आईबीए का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है राज किरण राय जी, जो कि वर्तमान में यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ हैं। भारतीय बैंक संघ, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में, मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है माइकल ईरानी, जो कि ग्रेट ब्रिटेन देश से हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में, इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। वर्तमान में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र प्रसाद बैसी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा। फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। ये हैं कुछ प्रमुख स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, इनके हेड के नाम आपको याद रखना है। फीफा जो कि फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, आईसीसी क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। अब हम कुछ भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ियों के नाम देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो साइखो मीराबाई चानू, संगीता चानू, जेरेमी लाल रिंगवा, कर्णम मल्लेश्वरी, विकास ठाकुर, सतीश शिवलिंगम, दीपक लठेर, वेंकट राहुल रंगला, पूनम यादव, ये हैं कुछ भारत के प्रमुख भारोत्तोलन खिलाड़ी, वेट लिफ्टिंग प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि DDCA का नया अध्यक्ष चुना गया है रोहन जेटली, जो कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के बेटे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पार्ले एग्रो ने अपना प्रियूट ब्रांड बी फिज का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो बी फिज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं प्रियंका चोपड़ा, इन्हीं को बी फिज ने कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, LG सिग्नेचर ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? LG सिग्नेचर जो कि होम कंपनी है जो कि LCD, वॉशिंग मशीन या फिर कूलर, इन सबको बनाती है। LG सिग्नेचर का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है लुईस हैमिल्टन को। लुईस हैमिल्टन जो कि एक कार रेसर हैं। LG का पूरा नाम है लाइफ्स गुड। जो LG कंपनी है, ये दक्षिण कोरिया देश की कंपनी है, जिसका मुख्यालय है साउथ कोरिया के सियोल शहर में। आपको साउथ कोरिया से चार कंपनियों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, किया मोटर, हुंडई मोटर, जो चार कंपनियां हैं दक्षिण कोरिया देश की हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, साद अल हरीरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में साद अल हरीरी लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं साद अल हरीरी, जो कि लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लेबनान देश की राजधानी है बेरूत, यहाँ की मुद्रा है पाउंड। अब आपको लेबनान से एक क्वेश्चन याद रखना है, 4 अगस्त 2020 को लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट की वजह से एक बम धमाका हुआ था, जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, 6500 से ज़्यादा लोग इंजर हो गए थे, घायल हो गए थे, 3 लाख से ज़्यादा लोग बेघर यानी कि होमलेस हो गए थे, और $15 बिलियन की संपत्ति का नुकसान हुआ था, और इस बम धमाका का कारण था अमोनियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, सैन मारिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सैन मारिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है नीना मल्होत्रा को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये है नीना मल्होत्रा। सैन मारिनो, जिसकी राजधानी है सैन मारिनो, मुद्रा है यूरो। इसके अलावा सुशील कुमार सिंघल को सोलोमन द्वीप का भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सोलोमन द्वीप, जिसकी राजधानी है होनियारा, मुद्रा है सोलोमन द्वीप डॉलर।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता किस देश को मिली है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता मिली है भारत को, जिसके लिए श्रम एवं रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा को अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 तक की अवधि के लिए ILO के गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हेड हैं गाय राइडर। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के वैबल राम कलावन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वैबल राम कलावन सेशल्स देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं भारतीय मूल के व्यक्ति वैबल राम कलावन, जो कि सेशल्स देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। जो वैबल राम कलावन हैं इनके दादाजी गोपालगंज बिहार से थे। सेशल्स देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, मुद्रा है रुपया। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कांडे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल जीत लिया है? तो अल्फा कांडे जो कि गिनी देश के राष्ट्रपति बने हैं, आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं गिनी देश के राष्ट्रपति अल्फा कांडे। गिनी देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। गिनी देश के प्रधानमंत्री हैं इब्राहिम कसोरी फोफाना। गिनी देश की राजधानी है कोनाक्री, यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 17 है, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटसी स्पोर्ट्स ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटसी स्पोर्ट्स ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है बिमल जुल्का को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं बिमल जुल्का। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटसी स्पोर्ट्स जो कि भारत के सभी गेमिंग ऐप कंपनियाँ जैसे ड्रीम इलेवन, फन फाइट, MPL इन सभी का एक एसोसिएशन है। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है कमल ज्ञानचंदानी को। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कि भारत के सभी सिनेमाघर जैसे वेओ, सिनेपोलिस, आईनॉक्स, PVR इन सभी का एक एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में लुइस एरसे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हाल ही में लुइस एरसे बोलविया देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं बोलविया देश के नए राष्ट्रपति लुइस एरसे। जो बोलविया देश है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी दो राजधानियां हैं लापाज और सुक्रे। बोलविया देश की मुद्रा है बोलवियानो। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस देश की जल विद्युत परियोजना को ब्रिटेन देश में सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भूटान देश की जल विद्युत परियोजना को ब्रिटेन देश में सम्मानित किया गया है। अब हम समझते हैं कि भूटान देश की ये जल विद्युत परियोजना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो भूटान देश की मगदेचू जल विद्युत परियोजना है इसको भारत सरकार की मदद से बनाया गया है, जिसको ब्रिटेन देश में ब्रूनल मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है। भूटान देश की राजधानी है थिम्पू, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोते शेरिंग, यहाँ की मुद्रा है नगुल्टम। अब यहाँ पर एक शब्द आया है ब्रिटेन। अब हम समझते हैं कि ब्रिटेन देश कहाँ है। तो तीन देशों को मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन, जिसे हम ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। तीन देश कौन कौन से हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इन तीन देशों को मिलाकर बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड मिला दें तो बन जाता है UK। तो आपको याद रखना है UK चार देशों को मिला के कहा जाता है। कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड। इन चार देशों को मिलाकर बनता है UK, यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी है लंदन। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ और उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो उत्तरी आयरलैंड है ये UK का पार्ट है, जबकि एक अलग स्वतंत्र देश है जिसकी राजधानी है आयरलैंड डबलिन, इसका भी नाम है आयरलैंड। आयरलैंड वही देश है जहाँ से हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है। तो आपको याद रखना है उत्तरी आयरलैंड UK का पार्ट है, जबकि आयरलैंड एक स्वतंत्र अलग देश है जिसकी राजधानी है डबलिन। क्वेश्चन नंबर 20 है, डॉक्टर तुलसीदास चुघ अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर सतीश मिश्रा को।
क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में किस देश की बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 दिया गया है घाना देश की बैंक को। घाना बैंक ऑफ घाना को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 दिया गया है, जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मार्क कार्नी को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 दिया गया है। घाना देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी अक्रा, मुद्रा है सेंडी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को किस देश की सेना ने मानद जनरल का दर्जा दिया जाएगा? तो मनोज मुकुंद नरवाने जो कि भारतीय आर्मी के चीफ हैं, इनको नेपाली सेना के द्वारा मानद जनरल का दर्जा दिया जाएगा। नेपाल देश की राजधानी है काठमांडू, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, नेपाल देश के प्राइम मिनिस्टर हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। नेपाल देश से आपको एक नेशनल पार्क का नाम याद रखना है, जो चितवन नेशनल पार्क है, यह नेपाल देश में स्थित है। जो भारत नेपाल की बॉर्डर है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है सशस्त्र सीमा बल को, SSB को। भारत नेपाल के साथ सूर्य किरण नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो 2020 का जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है, ये दिया गया है रूस के फोटोग्राफर सेरगाई गोर्स्को को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये जो पुरस्कार है 86 देशों से 49,000 फोटो में से सिलेक्ट किया गया है। आप ये जो फोटो देख पा रहे हैं, एक बाघिन एक पेड़ को गले से चिपकाए हुए है, इसी फोटो को 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है सेरगाई गोर्स्को को, जो कि रूस देश से हैं। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, ये तो हो गया मुख्य पुरस्कार, इसके अलावा अडल्ट कैटेगरी में एक पुरस्कार दिया गया है ऐश्वर्या श्रीधर को। ऐश्वर्या श्रीधर जो कि भारत की हैं, और ऐश्वर्या श्रीधर पहली महिला या पहली व्यक्ति बन गई हैं भारत से जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है अडल्ट कैटेगरी में। ये जो इनको पुरस्कार दिया गया है, इस तस्वीर के लिए दिया गया है। तो आपको याद रखना है, ऐश्वर्या श्रीधर भारत की पहली महिला बन गई हैं जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अडल्ट कैटेगरी यानी कि युवा कैटेगरी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सियोल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो सियोल शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के अध्यक्ष थॉमस बाग को। जो सियोल शांति पुरस्कार है, ये दक्षिण कोरिया के देश के द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो 24वें समर ओलंपिक खेल थे, जिनका आयोजन 1988 में शांतिपूर्ण ढंग से दक्षिण कोरिया देश की राजधानी सियोल में किया गया था, इसी को यादगार बनाने के लिए हर साल सियोल शांति पुरस्कार 2020 दिया जाता है, जो कि इस साल दिया गया थॉमस बाग को। पिछले साल 2019 में सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाक जो कि जर्मनी देश से हैं, इन्हीं को सियोल शांति पुरस्कार 2000 से सम्मानित किया गया है। 2020 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होने वाले थे, इनको कोरोना वायरस महामारी के कारण अगले साल टाल दिया गया है। ये 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में होंगे, 2024 के समर ओलंपिक खेल फ्रांस की राजधानी पेरिस में, 2028 के समर ओलंपिक खेल अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में, और 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल चीन की राजधानी बीजिंग में, और 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली के मिलान और कोर्टिना शहरों में। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किस राज्य ने रेड लाइट आन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? तो ये मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, रेड लाइट आन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन 2020 मनाया गया 15 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। जो इस साल अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया, इसका थीम था बिल्डिंग रूरल वीमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ COVID-19। अब आपको एक क्वेश्चन दूसरा याद रखना है, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस भी भारत में
15 अक्टूबर को मनाया जाता है और 15 अक्टूबर को ही विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में। क्वेश्चन नंबर 27 है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर बनाया जाएगा गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में कहाँ? तो गुजरात के तापी जिले के दोसावांडा में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर यानी कि जस्ता गलाने वाला कारखाना स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए UNHRC का सदस्य चुना गया है पाकिस्तान देश को। UNHRC का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में राज्य की पुलिस के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? तो सुरक्षा कवच नाम का जो एक्सरसाइज है ये भारतीय सेना के द्वारा महाराष्ट्र पुलिस के साथ किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो सुरक्षा कवच है इसका आयोजन भारतीय सेना के द्वारा महाराष्ट्र पुलिस के साथ किया गया है, जबकि सागर कवच नाम का एक्सरसाइज भारतीय नौसेना के द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर कोच्चि केरल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये के स्मारक सिक्के को जारी किया है? तो 75 रुपये के स्मारक सिक्के को FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन संस्था के 75वीं वर्षगांठ पूरे होने पर जारी किया गया है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य और कृषि संगठन जिसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, इसी संगठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं जिसकी याद में प्रधानमंत्री मोदी ने 75 रुपये के सिक्के को जारी किया है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में, वर्तमान में FAO के हेड हैं क्यू डोंगियो जो कि चीन देश से हैं। अब आपको दो अन्य संगठनों के नाम याद रखने हैं। दूसरा संगठन है विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसको इस साल शांति नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, और विश्व खाद्य कार्यक्रम का भी मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, वर्तमान में विश्व खाद्य कार्यक्रम के हेड हैं डेविड बेस्ले। तीसरी संस्था है IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इसका भी मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में भारत की पहली ऑस्कर अवार्ड विजेता भानु अथैया का निधन हो गया। आपको बताना है कि भानु अथैया पेशे से क्या थी? तो भानु अथैया जो कि फिल्मों में एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, इनको पहली बार ये पहली महिला थी जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं भानु अथैया जो कि पहली महिला हैं भारत से जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था गांधी फिल्म के लिए। किस फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए। इसके अलावा प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का भी निधन हो गया है। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो माई टाउन माई प्राइड नाम का प्रोग्राम शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य में। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है जम्मू कश्मीर के शहरी नागरिकों को जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं जैसे LPG सिलेंडर या फिर अन्य सेवाएं, उन सभी को डोर स्टेप पर डिलीवर करना, उनके घर तक पहुँचाना, जैसे राशन हुआ, LPG सिलेंडर हुआ। जम्मू और कश्मीर राज्य जो कि 31 अक्टूबर 2019 को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बन गया है। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, समर श्रीनगर की, विंटर जम्मू की। वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वर्तमान में यहां पर मुख्यमंत्री कोई नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य में आपको डल झील, नागिन झील, उलर झील, मानसबल झील मिलेगा। जो उलर झील है ये भारत का और एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। अब आपको जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क याद रखने हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि कुछ जो नेशनल पार्क हैं
ये लद्दाख में चले गए हैं। कौन कौन से? हेमीज नेशनल पार्क जो कि पहले जम्मू कश्मीर में था, अब ये 31 अक्टूबर 2019 के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में चला गया है। हेमीज नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के हिसाब से। जम्मू कश्मीर में अब वर्तमान में डाचिंगम नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, काजीनंगा असम में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। जो सलीम अली नेशनल पार्क है ये भारत के महान पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के नाम पर रखा गया है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। और एक दूसरा पार्क है जिसका नाम है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, जो कि गोवा राज्य में है। सलीम अली को भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड फूड डे। जो वर्ल्ड फूड डे है ये हर साल मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, क्योंकि जो खाद्य एवं कृषि संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इस साल का जो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया इसका थीम था ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के न्याय मंत्रियों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो शंघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों का सम्मेलन किया गया भारत देश के द्वारा, जिसमें भारत को रिप्रेजेंट किया गया भारत के न्याय संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा। SCO जिसका पूरा नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, जो कि 8 देशों का एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। SCO के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरो। इसका मुख्यालय है चाइना की राजधानी बीजिंग में। SCO की स्थापना हुई थी 2001 में। वर्तमान में SCO के 8 मेंबर देश हैं चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 35 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता मलयालम कवि का हाल ही में निधन हो गया, आपको बताइए इनका नाम क्या है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो कि पिछले साल दिया गया था इनको अयुक्तम नंबूदरी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं इनका नाम है अयुक्तम नंबूदरी, जिनको पिछले साल 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये मलयालम कवि के भाषा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में एशियन भारत ट्रैक संवाद को किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? तो आसियान भारत ट्रैक संवाद 2020 को भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। अब हम समझते हैं कि आसियान क्या है। तो आसियान 10 देशों का एक फोरम है जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। आसियान में 10 देश कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लायोस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो आसियान देश हैं इनका भारत मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप रिसाइकलिंग का कार्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप रिसाइकलिंग का कार्यालय गुजरात के गांधीनगर शहर में स्थापित किया जाएगा। नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप रिसाइकलिंग जो कि एक भारत का उच्च निकाय होगा, उच्च कार्यालय होगा, जो कि भारत के सभी जितने भी जहाज हैं उनके मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण तथा निगरानी के लिए जिम्मेदार ऑफिस होगा। अब आपको कुछ गुजरात से क्वेश्चन याद रखना, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता गलाने वाला कारखाना बनाया जाएगा गुजरात के तापी जिला के दोसावांडा में। भारत की पहली शहद प्रयोगशाला बनाई गई है गुजरात के आनंद में। भारत की पहली समुद्री उत्पाद निर्यात सी फूड गुणवत्ता लैब बनाई गई है गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने गुजरात पुलिस को टेसर गन दिया है। गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है। गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में स्टेचू ऑफ यूनिटी है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है गुजरात के वडोदरा शहर में। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय व जीवाश्म पार्क खोला गया है गुजरात के महिसागर जिला के बालासिनोर कस्बे के रयाली गाँव में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है गुजरात के अहमदाबाद शहर में, जिसका नाम है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम या फिर सरदार पटेल स्टेडियम।
जो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है इसकी कैपेसिटी है 110,000 दर्शकों की। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। क्वेश्चन नंबर 38 है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। इस साल जो मनाया गया इसका थीम था एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन डॉल निर्माता कंपनी बार्बी ने किस भारतीय खिलाड़ी को समर्पित एक बार्बी डॉल लॉन्च किया है? बार्बी डॉल का मतलब होता है एक प्लास्टिक की गुड़िया, तो ये बनाया गया है मानसी जोशी का। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं एक पैरा बैडमिंटन प्लेयर मानसी जोशी, इन्हीं का बार्बी कंपनी ने एक बार्बी डॉल बनाया है जो कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। बार्बी कंपनी जो कि एक अमेरिकन फैशन डॉल तथा टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। डॉल का मतलब यहाँ पर है छोटी गुड़िया से, जो कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग जो पुस्तक है ये लिखी गई है कांग्रेस के नेता शशि थरूर के द्वारा। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं कांग्रेस नेता शशि थरूर, इन्हीं के द्वारा बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक लिखी गई है। अब आपको इनके द्वारा लिखी गई चार पुस्तकों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? एन इरा ऑफ डार्कनेस, जिसको पिछले साल 2019 में अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। दूसरी पुस्तक है व्हाई आई एम अ हिंदू। तीसरी पुस्तक है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। चौथी पुस्तक है द हिंदी वे। ये सारी जो पुस्तकें हैं शशि थरूर के द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो इसमें भारत की रैंक बहुत ही खराब रही। वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 94। आप देख पा रहे होंगे कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सबकी भारत से जो रैंक है अच्छी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में सबसे अच्छा देश कौन है, तो सबसे अच्छा देश है बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में किस संस्था ने नगर निगम के ठोस कचरे की सतत प्रसंस्करण सुविधा विकसित की है? सस्टेनेबल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी, जो कि एक नई टेक्निक है, इसको विकसित किया गया है CSIR के सी मेरी लैब के द्वारा। सी मेरी जिसका पूरा नाम है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय है पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शहर में। और सी मेरी के द्वारा ही दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पेड़ बनाया गया है। सोलर पेड़ दुनिया का सबसे बड़ा बनाया गया है सी मेरी के द्वारा। अब हम जानते हैं कि CSIR क्या है। तो CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो कि भारत का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। CSIR की पूरे भारत में 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं, जैसे CDRI सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NIRI नेशनल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस प्रकार से पूरे भारत में CSIR की 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं। CSIR की स्थापना हुई थी 1942 में। CSIR का प्रेसिडेंट होता है भारत का प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में है PM मोदी। CSIR के वर्तमान में महानिदेशक हैं शेखर सीमांडे, मुख्यालय है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 42 है, केंद्र सरकार ने स्कूल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए किस परियोजना को लागू किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए स्टार्स नाम की एक परियोजना को शुरू किया है। स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट। ये जो परियोजना है टोटल 6 राज्यों में लागू की गई है, कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल तथा उड़ीसा। इसके अलावा केंद्र सरकार की एक दूसरी योजना का नाम याद रखना है, इसका नाम है कपिला कलाम कार्यक्रम। जो कपिला कलाम कार्यक्रम है ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा भारत में बौद्धिक संपदा साक्षरता और के प्रति जागरूक बनाने के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बी श्रैंक द ड्रैगन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बी श्रैंक द ड्रैगन नामक जो पुस्तक है ये लिखी गई है प्रदीप गोहरा के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति शुरू किया है? तो जो मिशन शक्ति है ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा भारत की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस संस्थान ने एक वर्ष में सबसे अधिक पेटेंट दर्ज करने की सूची में टॉप किया है? तो बौद्धिक संपदा के द्वारा जो वार्षिक एनुअल रिपोर्ट जारी किया जाता है इसमें सबसे ज़्यादा पेटेंट दर्ज किया गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा। बौद्धिक संपदा जिसको इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब ये होता है कि बुद्धि संबंधित अर्थात बुद्धि अथवा मस्तिष्क द्वारा पैदा की गई या उत्पादित की गई वस्तु। जिसमें क्या क्या आता है, इसमें व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिज़ाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इन सभी चीज़ों को बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल टीम को अगले 3 वर्षों तक स्पॉन्सर करेगा? तो राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल टीम को अगले 3 वर्षों तक प्रायोजित किया जाएगा उड़ीसा राज्य के द्वारा, और उड़ीसा राज्य के ही द्वारा अगले 5 वर्षों तक 2018 से लेकर 2023 तक राष्ट्रीय हॉकी को भी प्रायोजित किया जाएगा। इस साल का जो IPL हो रहा है इसकी स्पॉन्सर कंपनी है ड्रीम इलेवन। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में डेनमार्क ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो डेनमार्क ओपन जो कि एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता है इसमें महिला एकल का खिताब जीत लिया है नोजोमी ओकुहारा ने। नोजोमी ओकुहारा जो कि जापान देश की एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जबकि पुरुषों में एंडर एंडसन ने जीत लिया है जो कि डेनमार्क देश के ही खिलाड़ी हैं। डेनमार्क देश की राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा है क्रोने। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 होने वाला था स्पेन देश में, जिसको कोरोना वायरस महामारी के कारण टाल दिया गया है। अब ये अगले साल 2021 में स्पेन में खेला जाएगा। बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका मुख्यालय है मलेशिया के कुआलालंपुर। वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत सरकार ने भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? ट्रांस फैट फ्री इंडिया बनाने का भारत सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2022 तक। अब आपको कुछ भारत सरकार के लक्ष्य याद रखना है, टारगेट याद रखना है, जो कि एग्जाम में इस समय बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। कौन कौन से, भारत सरकार का लक्ष्य है भारत से सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म करना 2022 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय को दोगुना करना 2022 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत से कुपोषण यानी कि मल न्यूट्रिशन समाप्त करना 2022 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत के सभी नागरिकों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पेयजल मुहैया कराना 2024 तक। भारत के TB रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस 6 रोग को खत्म करने का टारगेट है 2025। एड्स रोग को खत्म करने का टारगेट है 2030। मलेरिया रोग को खत्म करने का टारगेट है 2030। भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 500 GW रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना। भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक भारत में 0 रोड एक्सीडेंट फैसिलिटी अचीव करना। भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक भारत को 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल नेशन बनाना। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे यानी कि नेट जीरो कार्बन इमिटर बनाना। ये हैं कुछ भारत सरकार के लक्ष्य जो कि आपको याद रखना है, इस समय ये लक्ष्य बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस राज्य ने गरीब परिवारों को 10 रुपये में धोती, साड़ी और लुंगी देने का निर्णय लिया है? तो इस प्रकार का अनाउंसमेंट किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 है, ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट नामक पुस्तक लिखी गई है दीपांकर अरोन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सिलीनेक्स 20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिलीनेक्स 20 का आयोजन किया गया श्रीलंका के शहर त्रिकोमाली में।
श्रीलंका जिसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे, यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे। अब आपको कुछ मोस्ट कंफ्यूजिंग एक्सरसाइज के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से। इम्बेक्स नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और म्यांमार के बीच होती है। सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है। स्लीनेक्स नाम की एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है। सिटमेक्स नाम की इंडिया सिंगापुर और थाईलैंड के बीच। विनबैक्स नाम की एक्सरसाइज इंडिया और वियतनाम के बीच। शक्ति नाम की एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच। गरुण शक्ति नाम की भारत और इंडोनेशिया के बीच। मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच। हरिमऊ शक्ति नाम की एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच। तो ये हैं कुछ मोस्ट कंफ्यूजिंग मिलिट्री एक्सरसाइज जिनके नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय बल ने अपनी R&D यानी कि रिसर्च एंड डिज़ाइन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए IIT दिल्ली और DRDO के साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किया गया है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला एरोट्रोपोलिस हवाई अड्डा कहाँ बनेगा। तो भारत का पहला एरोट्रोपोलिस हवाई अड्डा बनेगा नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका दूसरा नाम है जेवर एयरपोर्ट, जिसके संचालन तथा मैनेजमेंट के लिए यूपी सरकार ने ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ समझौता किया है। आयुष्मान सहकारी योजना किस संगठन की है जिसको केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा शुरू किया गया। यहाँ सहकार होगा, तो जो आयुष्मान सहकारी योजना है ये NCDC संस्था के द्वारा शुरू किया गया है, जिसको केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो आयुष्मान सहकारी योजना है इसका उद्देश्य ग्रामीण संस्थाओं को ग्रामीण में भारत के ग्रामीण इलाकों में अस्पताल मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो आपको याद रखना है आयुष्मान सहकारी योजना NCDC के द्वारा शुरू की गई है। NCDC का पूरा नाम है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। वर्तमान में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है, काती बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो बिहू त्यौहार ये असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। जो बिहू त्यौहार है साल में 3 बार मनाया जाता है। रोगाली बिहू जिसे बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। कोगाली बिहू या काती बिहू जो कि अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। भोगाली बिहू या माघ बिहू जो कि जनवरी महीने में मनाया जाता है। बिहू इज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, यानी कि फसल कटने पर मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अब आपको भारत के कुछ प्रमुख त्यौहारों के नाम याद रखना, जैसे बिहू महोत्सव असम राज्य में, ओणम त्यौहार केरल राज्य में, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में, सांगाई महोत्सव मणिपुर में, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में, सिंधु दर्शन महोत्सव लेह लद्दाख में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, जबकि पक्के पांगा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में। तो ये हैं कुछ प्रमुख त्यौहार जिनका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू किया है। तो व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की गई है IDFC बैंक के द्वारा। व्हाट्सएप बैंकिंग का मतलब है IDBI। IDBI बैंक अब अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप के माध्यम से बकाया राशि की जानकारी, अंतिम 5 लेनदेन की जानकारी, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट, ईमेल स्टेटमेंट, ब्याज दरों की जानकारी, ये सारी जो सेवाएं हैं IDBI बैंक के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जाएगा। IDBI बैंक जिसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक प्राइवेट बैंक है जिसका मुख्यालय है महाराष्ट्र मुंबई। वर्तमान में IDBI के CEO हैं राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 कब मनाया गया। तो जो वर्ल्ड स्टैटिक्स डे है ये हर साल मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो इस साल विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया इसका थीम था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद द डेटा बी का इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो विश्व सांख्यिकी दिवस है ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को, जो कि प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महाल नोबिस का जन्मदिन होता है। इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है 29 जून को, जो कि इस साल दिया गया है PC महाल नोबिस पुरस्कार सी रंग राजन को।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो एशिया में अपना प्रभुत्व जमाने वाला भारत चौथा देश है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है जापान और चौथे नंबर पर है भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार की सुविधा देने के लिए घर घर रोजगार कार्यक्रम चलाया है? तो घर घर रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया है पंजाब राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार हींग की खेती किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो हींग जो कि दाल या सब्जी में फ्राई करने के लिए लगाया जाता है, हींग की पहली बार खेती हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कहाँ? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में। अब आपको हिमाचल प्रदेश से दो क्वेश्चन याद रखना है। पहला, 100% घरों को LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जिसका नाम है अटल सुरंग का शुभारंभ किया गया है। अटल सुरंग जिसका दूसरा नाम है रोहतांग सुरंग, जो कि रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। जो अटल सुरंग ये मनाली से लेह राजमार्ग को जोड़ती है और जो अटल सुरंग है इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर और इसको बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आपको याद रखना है अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पहला, अगला क्वेश्चन है, देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? यहाँ पर लॉजिस्टिक का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन से। तो भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है असम के जोगीघोपा में। किसके द्वारा? तो ये आधारशिला रखी गई है भारत की केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग तथा MSME मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। इस पहले जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, यहाँ से लोगों को सीधी हवाई कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी तथा जल मार्ग कनेक्टिविटी मिलेगी। यहाँ पर बात की गई है असम की। असम से आपको दो तीन क्वेश्चन याद रखना, जैसे असम का प्राचीन नाम है कामरूप और असम के गुवाहाटी में एक मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर में हर साल एक मेला लगता है जिसका नाम है अंबुबाची मेला। और 2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले 1000 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि अंबुबाची मेला जो है नहीं लगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अंबुबाची मेला जो कि कामाख्या मंदिर में लगता है पिछले 1000 वर्षों में पहली बार हुआ है ऐसा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल ये मेला नहीं लगाया गया। असम राज्य से आपको तीन नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? डिब्रू सैखवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। असम राज्य से एक महान व्यक्ति का नाम याद रखना है, इन महान व्यक्ति का नाम है जादव पयंग। जादव पयंग जिन्हें भारत में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जादव पयंग ने अपने अकेले बलबूते असम राज्य के वीरान सुनसान इलाकों में इतने ज़्यादा पौधे लगा दिया है कि एक मानव निर्मित जंगल तैयार हो गया, जिसकी वजह से जादव पयंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जादव पयंग को इस साल स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। असम राज्य से आपको दो पुल के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? भूपेन हजारिका पुल जिसे डोला सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। डोला सदिया पुल जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है जो कि असम राज्य को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, यह 9.15 किलोमीटर है जो कि लोहित नदी पर स्थित है। दूसरा पुल है बोगीबील पुल जो कि भारत का सबसे लंबा रेल पुल है, यह भी असम राज्य में स्थित है और इसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप याद रखना है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका जो कि लोहित नदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा रेल पुल है बोगीबील पुल जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये दोनों असम राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास रिपोर्ट 2020 इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत रहा दूसरे स्थान पर। पहले नंबर पर है चाइना और दूसरे नंबर पर है भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत लॉन्च किया है? तो मो विद्युत नाम का जो वेबसाइट है शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। अब आपको एक ट्रिक याद रखना है, कहीं पर भी आपको मो दिख जाए सीधा आंसर टिक करना है उड़ीसा, क्योंकि उड़िया भाषा में मो का मतलब होता है मेरा।
इसके अलावा मो जीवन कार्यक्रम, मो परिवार कार्यक्रम, मो प्रतिभा कार्यक्रम, मो सरकार कार्यक्रम, ये सारे जो प्रोग्राम हैं उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप 2020 किसने जीत लिया है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन 2020 को महिला कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में पेरेज जिप चिरचिर ने तथा पुरुष कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में जैकब किप लीमो ने जीत लिया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं पेरेज जिप चिरचिर जो कि केन्या देश से धावक हैं, इन्होंने महिला कैटेगरी में, जबकि जैकब किप लीमो ने पुरुष कैटेगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन 2020 को जीत लिया है। जो जैकब किप लीमो हैं ये युगांडा देश से हैं। जो 2020 का वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियन था ये पोलैंड देश के गुडियाना शहर में खेला गया, जबकि अगले दो साल बाद 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप चाइना के हांगजाओ शहर में आयोजित किया जाएगा। अब हम समझते हैं कि मैराथन क्या होता है। तो मैराथन एक लंबी रेस की प्रतियोगिता होती है। एक मैराथन बराबर होता है 42.19 किलोमीटर। ये क्वेश्चन कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक मैराथन दूरी कितने बराबर होता है। तो एक मैराथन बराबर होता है 42.19 किलोमीटर या 26 मील या 385 गज, और हाफ मैराथन इसका जस्ट हाफ होता है 21.0975 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फूट बियर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर फूट बियर का मतलब है चप्पल से। तो भारत के पहले हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फूट बियर का शुभारंभ किया गया है भारत के एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी जो कि भारत के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री भी हैं, और ये जो भारत के पहले हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फूट बियर हैं इनको खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जिसमें रेशम, कपास, ऊन जैसे खादी फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। ये जो चप्पल हैं बहुत ही सस्ते हैं, आप खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि इनका प्राइस है 4,000-5,000 इस प्रकार से, तो आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो 6th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का आयोजन CSIR के द्वारा किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। एनीमिया जो कि ब्लड की कमी से होने वाला एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1989 को अपनाने की मंजूरी दे दी गई है? तो जो पंचायती राज अधिनियम 1989 है इसको लागू कर दिया गया है जम्मू और कश्मीर राज्य में, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर धारा 370 और 35A था जिसकी वजह से ये अधिनियम लागू नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर लॉन्च की गई है? जो पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर नाम की पुस्तक है इसको लिखा गया है NK सिंह के द्वारा। NK सिंह जो कि वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्हीं के द्वारा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, नासा ने चंद्रमा पर 4G मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? तो नासा जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है ये चंद्रमा पर मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया कंपनी के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, नोकिया। नोकिया जो कि फिनलैंड देश की एक मोबाइल निर्माता कंपनी है। नोकिया कंपनी के CEO हैं पेका लुडमार्क। नासा का मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी Washington DC। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने राष्ट्रीय ID योजना में फेसियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो जिस प्रकार से अपने यहाँ आधार कार्ड है उसी प्रकार से सिंगापुर देश एक नेशनल ID बनाया है जिसमें फेसियल रिकग्निशन यानी कि चेहरा का रिकग्निशन लिया गया है। जिस प्रकार से अपने यहाँ आधार कार्ड है उसी प्रकार से यहाँ पर होगा सिंग पास फेस वेरिफिकेशन। अपने यहाँ आधार कार्ड में बायोमेट्रिक लिया गया है और यहाँ पर चेहरा लिया गया है, तो आपको याद रखना है सिंगापुर दुनिया का पहला देश बन गया है जिन्होंने अपने नेशनल ID में फेसियल रिकग्निशन को अटैच किया है। सिंगापुर देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है हालिमा यकूब। यहाँ के मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर देश की राजधानी है सिंगापुर सिटी।
अगला क्वेश्चन है, पहली वर्चुअल G20 यूथ ग्लोबल सम्मेलन को किस देश के द्वारा होस्ट किया गया है? तो पहली बार G20 यूथ ग्लोबल समिट 2020 का आयोजन सऊदी अरब देश के द्वारा किया गया है और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के युवा मामले एवं खेल मंत्री किरेन रिजिजू। 2020 की जो G20 की अध्यक्षता है ये है सऊदी अरब देश के पास। अब हम समझते हैं कि G20 क्या है। तो G20 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन देश का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिसमें 19 देश ये आते हैं प्लस यूरोपियन यूनियन। G20 देशों में भारत भी इसका मेंबर है। G20 शिखर सम्मेलन 2020 होना था सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में, जो कि वर्चुअली होस्ट किया गया कोरोना वायरस के कारण। G20 शिखर सम्मेलन 2021 इटली के बारी शहर में होगा और G20 शिखर सम्मेलन 2022 भारत की राजधानी नई दिल्ली में होगा। अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, G20 देशों में 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन आता है जिसमें भारत भी मेंबर है, लेकिन इससे मिलता जुलता एक दूसरा यूनियन है जिसका नाम है G7 ग्रुप ऑफ सेवन। ग्रुप ऑफ सेवन में भारत मेंबर नहीं है, इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और अमेरिका देश आते हैं। अब आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम के नाम याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए फोरम का भारत मेंबर है या नहीं है। तो ये हैं कुछ फोरम जिनका भारत मेंबर है और इनका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से मेंबर हैं जिनमें भारत मेंबर है, कौन कौन से? UN, NAM, SAARC, BRICS, SCO, G20, APEC, FATF, MTCR, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, वासेनार ग्रुप, बेमेस्टिक। ये हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम जिनका भारत मेंबर है। इसी प्रकार से कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय फोरम हैं जैसे UNSC, NSG, G7 ग्रुप, आसियान और नाटो। इन सब देश फोरम का भारत मेंबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपको याद रखना है। इन फोरम का भारत मेंबर नहीं है जबकि इन फोरम का भारत मेंबर है और इनका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। जो ई धरती जियो पोर्टल है इसका काम होगा भारत के सभी कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल तथा इंस्टीट्यूशनल भूमि का जो खसरा खतौनी है डिजिटल करना। हरदीप सिंह पुरी जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, साथ ही साथ भारत के नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SCO देशों के महाअधिवक्ताओं की 18वीं बैठक का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो हाल ही में SCO देशों के महाअधिवक्ताओं की 18वीं बैठक को वर्चुअली उज्बेकिस्तान देश के द्वारा होस्ट किया गया है और इसमें भारत देश की तरफ से पार्टिसिपेट किए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। जो इस साल का आयोजन हुआ है इसको होस्ट किया गया है उज्बेकिस्तान देश के द्वारा, जबकि अगले साल 2021 की जो SCO देशों की महाअधिवक्ताओं की बैठक होगी इसको आयोजित किया जाएगा भारत देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, साल 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में किस राज्य ने टॉप किया है? तो 2019 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में नंबर वन राज्य रहा उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में नंबर वन राज्य कौन रहा, तो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में नंबर वन राज्य रहा तमिलनाडु। यानी कि पिछले साल 2019 में विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा तमिलनाडु राज्य में गए जबकि घरेलू पर्यटक सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य को विजिट किए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू किया है? तो जो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना है ये शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमनन का निधन हो गया, आपको बताना है कि डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमनन कौन थी? डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमनन जो कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी, इनका निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जो कि वायुसेना में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, कृषि कानून के खिलाफ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार ने 3 कृषि कानून लाया है जिसके खिलाफ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। अगला क्वेश्चन है, हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? तो हर साल पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। क्यों?
क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 कार्यकारी भाषाएं हैं, कौन कौन सी? अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत तो टोटल 193 देश सदस्य देश हैं। यहाँ पर आपको 3 देशों का नाम याद रखना है, मुख्यतया ताइवान, वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन। ये 3 दुनिया के ऐसे देश हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस के अनुसार पूर्ण देश यानी कि एक कंट्री का दर्जा प्राप्त नहीं है, इनको ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया है। और 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और इस साल जो विश्व पोलियो दिवस मनाया गया, इसका थीम तो कहीं गायब हो गया, कोई बात नहीं। इसके अलावा पोलियो से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, पूरी दुनिया में WHO की रिपोर्ट के अनुसार पोलियो जो बीमारी है मेनली 2 देशों में पाई जाती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जो भारत है यह पोलियो मुक्त देश है, वर्तमान में भारत पोलियो मुक्त देश है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने BPL परिवारों के लिए YSR बीमा योजना शुरू किया है? तो आपको कहीं भी YSR दिख जाए सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। क्यों? क्योंकि जो YSR है ये इसका पूरा नाम है यदगुड़ी सानिति राजशेखरन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं इनके पिताजी का नाम है, यहीं से सारी योजनाएं ली जाती हैं इन्हीं के नाम पर। अब आपको कुछ आंध्र प्रदेश की योजनाओं के नाम याद रखने हैं, जैसे YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांति वेलगु स्कीम, YSR नोद्यम योजना, YSR नेत्रना निस्तम योजना, YSR रायतु भरोसा योजना, YSR जलकल योजना, YSR जगन्ना विद्या कानुका योजना, YSR नाडू नेडू प्रोग्राम, YSR जल ला निस्तम योजना। ये सारी जो योजनाएँ हैं आंध्र प्रदेश सरकार की योजनाएँ हैं। आंध्र प्रदेश से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, दक्षिण भारत की पहली और भारत की दूसरी किसान रेल चलाई गई है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्टेशन से लेकर दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई, तो भारत की पहली किसान रेल चलाई गई महाराष्ट्र के देवकली से लेकर बिहार के दानापुर के बीच। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 11 अक्टूबर को, एग्ज़ाम हुआ था 11 अक्टूबर 2020 को UPPCS प्री का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य जिसकी 3 राजधानियां हैं, लेजिस्लेटिव अमरावती, एग्जीक्यूटिव विशाखापट्टनम, जुडिशियल कुरनूल। क्वेश्चन नंबर 82 है, विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड स्नो लेपार्ड डे हर साल मनाया जाता है 23 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के भैरव घाटी क्षेत्र में। जो तेंदुआ है ये भारत के 2 राज्यों का राजकीय पशु है, कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश का हिम तेंदुआ है, जबकि मेघालय राज्य का राजकीय पशु है धूमिल तेंदुआ, क्लाउडेड लेपार्ड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू किया है? इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार दिया जाएगा डॉक्टर जैजनी वर्गीस को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं डॉक्टर वर्गीस जैजनी, जो कि ब्रिटेन देश में भारतीय मूल की एक प्लास्टिक सर्जन हैं। इनको यह पुरस्कार स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का 190वां सदस्य देश कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हाल ही में 190 नंबर का सदस्य देश बना है एंडोरा, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। एंडोरा की राजधानी है एंडोरा लावेला, यहाँ की मुद्रा है यूरो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी वर्तमान में MD हैं क्रिस्टलिना जार्जीवा, जो कि बल्गेरिया देश से हैं। मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन DC में, इसकी स्थापना हुई थी 1945।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू किया है? तो जो किसान सूर्योदय योजना है ये गुजरात राज्य में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति करना। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाल ही में ली कुनही का निधन हो गया, आपको बताना है कि ली कुनही किस कंपनी के अध्यक्ष थे? तो ली कुनही जो कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के चेयरमैन थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के चेयरमैन ली कुनही, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि साउथ कोरिया देश की एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली ग्रोपरी 2020 को किसने जीत लिया है? तो पुर्तगाली ग्रोपरी जो कि एक कार रेसिंग प्रतियोगिता है, इसको लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। लुइस हैमिल्टन जो कि कार रेसर हैं, वर्तमान में मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, इन्होंने इस साल 2020 में अपने 2020 सीजन की 8वीं तथा अपने करियर की 92 नंबर की कार प्रतियोगिता जीत लिया है। 8वीं कौन कौन सी? हंगेरियन ग्रोपरी, ब्रिटिश ग्रोपरी, स्पेनिश ग्रोपरी, बेल्जियन ग्रोपरी, टस्कन ग्रोपरी, स्टेरियन ग्रोपरी, ईफिल ग्रोपरी, पुर्तगीज ग्रोपरी। ये जो 8ों कार रेसिंग प्रतियोगिता हैं इनको जीत लिया गया है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जर्मनी देश के एक महान कार रेसर थे जिनका नाम था माइकल शुमाकर। माइकल शुमाकर ने अपने करियर में 91 कार प्रतियोगिताओं को जीतकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसको हाल ही में लुइस हैमिल्टन के द्वारा 92 कार प्रतियोगिताओं को जीतकर तोड़ दिया गया है। तो आपको याद रखना है माइकल शुमाकर का जो विश्व रिकॉर्ड था इसको लुइस हैमिल्टन ने तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम को लागू करने वाला भारत का नंबर वन राज्य कौन रहा? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने वाला भारत का नंबर वन जिला रहा हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि भारत के कृषि कल्याण मंत्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए माई अंबर नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो माई अंबर नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये ओडाफोन आइडिया कंपनी तथा नैसकॉम संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, सी और डी। ओडाफोन आइडिया जिन्होंने अपना हाल ही में नाम बदल दिया है, ओडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी ने अपना नया नाम रख लिया है VI। VI कंपनी के नए CEO बने हैं रविंदर टक्कर। नैसकॉम जो कि एक सॉफ्टवेयर एसोसिएशन है जिसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और नैसकॉम के इस साल नए चेयरपर्सन बने हैं UB प्रवीण राव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक क्या रही? तो ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग 2020 में भारत की 138 देशों में 131 रैंक रही, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये जो रैंक है ओकला स्पीड टेस्टिंग कंपनी के द्वारा जारी किया गया है और इसमें नंबर वन देश है दक्षिण कोरिया देश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2020 को किस देश के विपक्षी आंदोलन को दिया गया है? तो सखारोव पुरस्कार 2020 जो कि बेलारूस देश के विपक्षी आंदोलन को दिया गया है, डेमोक्रेटिक अपोजिशन इन बेलारूस को सखारोव पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब हम समझते हैं कि बेलारूस के विपक्षी आंदोलन का मतलब क्या है। तो बेलारूस जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी है मिन्स्क, और यहाँ पर इस साल राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और जिसमें बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जीत लिया था। जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं इनकी ये 6वीं लगातार जीत थी, और जो बेलारूस देश के नागरिक हैं इनका कहना है कि जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं ये बहुत ही करप्ट पॉलिटिशियन हैं, बहुत ही भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन हैं, इन्होंने फेरबदल करके यानी कि नाजायज तरीके से चुनाव जीत लिया है, जिसके खिलाफ मिन्स्क में लाखों की संख्या में
हिंसाकारी प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। इन्हीं प्रदर्शनकारियों को सखारो पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बेलारूस की राजधानी है मिंसक। वर्तमान में बेलारूस के कोई प्रेसिडेंट नहीं, क्योंकि डिस्प्यूटेड है, झगड़े में है। लेकिन जो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, ये अपनी गद्दी त्यागने को मंजूर नहीं है। अब हम जानते हैं कि सखारो पुरस्कार क्या है। तो सखारो पुरस्कार, जो कि यूरोपियन यूनियन की संसद के द्वारा दिया जाने वाला विचारों की स्वतंत्रता के लिए एक सर्वोच्च पुरस्कार है। यूरोपियन यूनियन, जिसमें यूरोप देश के टोटल 27 देश हैं, यूरोप महाद्वीप के टोटल 27 देश हैं, और यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 में की सूची में किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। यहाँ पर सार्वजनिक का मतलब है सरकारी, उपक्रम का मतलब है कंपनी से। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की सूची में, भारत में NTPC जो कंपनी है, सरकारी कंपनियों में नंबर वन कंपनी है। अब हम इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है, वह कंपनी जो अपने कर्मचारियों को प्रसन्न रखती है, या फिर वह कंपनी जो कि अपने कर्मचारियों के वृद्धि, इकोनॉमिक वृद्धि, या फिर उनके विकास में सोचती है। तो इस प्रकार एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें HCL टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर में भारत की नंबर वन कंपनी है, जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 30। सरकारी कंपनियों में NTPC नंबर वन है भारत में, जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 261। बैंकिंग सेक्टर में भारत की नंबर वन कंपनी है HDFC, जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 176। तो ये तीन कंपनियों के नाम आपको याद रखना है, जिनको विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में शामिल किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरी दुनिया में ग्लोबल कौन सी नंबर वन कंपनी है, तो ग्लोबल वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की सूची में नंबर वन कंपनी है दक्षिण कोरिया देश की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच तीसरे 2+2 मंत्र स्त्री वार्तालाप किस शहर में संपन्न हुई है। तो हाल ही में तीसरे 2+2 मंत्र स्त्री वार्तालाप संपन्न हुई है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यहाँ पर 2+2 क्यों लिखा गया, 2+2 इसलिए क्योंकि ये जो बैठक है दो मंत्रालयों के बीच है, भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय, भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रालय के बीच, इसीलिए इसका नाम दिया गया है 2+2। आप ये फोटो में देख पा रहे होंगे, ये हैं अमेरिका देश के रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर, और ये हैं अमेरिका देश के विदेश मंत्री माइकल आर पोम्पियो। इधर भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि 2+2 वार्तालाप किन दो मंत्रालयों के बीच की वार्तालाप है। तो आपको याद रखना है, अमेरिका और भारत के रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच 2+2 वार्तालाप है। और जो 2020 में 2+2 वार्तालाप हुई है, इसमें एक समझौता हुआ है जिसका नाम है बीका समझौता। बीका का फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेटियल कोऑपरेशन, भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका देश में अपना परिचालन बंद करने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में भारत की ICICI बैंक ने श्रीलंका देश में अपना व्यवसाय बंद कर दिया है। ICICI जो कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी है, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र, वर्तमान में ICICI के MD और CEO हैं संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इस प्रकार का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जिस प्रकार से लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन होता है, उसी प्रकार से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के हर जिले में। इसके अलावा महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति भी शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना में सबसे अधिक ऋण देकर प्रथम स्थान हासिल किया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य पहला स्थान है हासिल किया है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना में ऋण देकर। इस योजना का दूसरा नाम है PM स्वनिधि योजना, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। इस योजना के तहत जो भारत के सड़क के किनारे
व्यवसाय करने वाले आदमी हैं, जैसे ठेला लगाने वाले, चाय विक्रेता, इन सभी को कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो इनका व्यवसाय ठप हो गया है उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए भारत सरकार सस्ते दामों पर और सस्ते किस्तों पर 10,000 रुपये का लोन दे रही है। यही है PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, जिसमें सबसे अधिक ऋण दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब आपको 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। 3-4 चीज़ों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कौन कौन से? घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। PM स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार देने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी हैं वर्तमान में। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऐसा बोला है कि भारत का सबसे बड़ा फिल्म सिटी बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट, जो जिसका दूसरा नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, के डिज़ाइन, निर्माण तथा संचालन के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ समझौता किया है। देश का पहला गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा यूपी के महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर हवाई अड्डा है इसको केंद्र सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। भारत का पहला किन्नर समुदाय के लिए किन्नर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। भारत का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक बनाया गया है मेरठ में, जिसे हम स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाइफ इन मिनिएचर परियोजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो लाइफ इन मिनिएचर जो परियोजना है ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। लाइफ इन मिनिएचर परियोजना का उद्देश्य है भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, जहाँ पर रामायण, रॉयल गाथा, पहाड़ी शैली चित्रों का संपूर्ण जो विवरण है, इसको गूगल ऐप के गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ समझौता किया गया है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद के नाम से दो मंत्री हैं, प्रहलाद सिंह पटेल जो कि संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, जबकि प्रहलाद जोशी भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला और खादान मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों और फलों पर MSP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सब्जियों और फलों पर MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। इसी प्रकार से सरकारी स्कूलों को पूर्णतया डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है ऐसा कहने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है केरल में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला गया है केरल के कोच्चि में। भारत का पहला स्पेस पार्क खोला गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में। भारत का पहला डिजिटल गार्डन खोला गया है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, छठे ब्रिक्स संसदीय मंच को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? तो हाल ही में 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम को रूस देश के द्वारा वर्चुअली होस्ट किया गया है। इसमें भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। ब्रिक्स जो कि 5 देशों का एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है, इसमें 5 देश कौन कौन से आते हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में और ब्रिक्स फोरम ने एक बैंक बनाया है जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं NDB। NDB की स्थापना हुई थी 2014 में, मुख्यालय चीन के संघाई शहर में। वर्तमान में NDB के प्रेसिडेंट हैं मार्कोस ट्रायोजो, जो कि ब्राज़ील देश से हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स के लेखक कौन है? तो हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित की गई है जिसका नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984। इस पुस्तक को लिखा गया है सरबप्रीत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में नंबर 1 स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो एक रिपोर्ट आई जिसका नाम है TRR रिपोर्ट, ट्रस्ट, आइडेंटिटी, अट्रैक्टिव, रिस्पेक्ट और अपील। इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के नंबर 1 ब्रांड है अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2020
संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन एनजीओ को, जो कि एक भारत की एनजीओ है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने JBIC बैंक के साथ $1 बिलियन ऋण लेने का समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने युवा अधिवक्ता कल्याण कोष योजना यंग एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम लॉन्च किया है? तो ये योजना शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। इस योजना के तहत जो तमिलनाडु राज्य के एडवोकेट यानी कि ला स्टूडेंट हैं, पास कर चुके हैं, उन सभी को ₹3,000 मासिक दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इन्फॉर्मेशनर कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है यशवर्धन कुमार सिन्हा को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर CIC यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग PPL टूर्नामेंट खेला गया? तो PPL जो टूर्नामेंट है ये खेला गया है इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। अब हम समझते हैं कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग क्या है। तो जो प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता है, इसका उद्देश्य है इंदौर शहर से कचरा यानी कि जो कूड़ा कचरा है उसको हटाना, साफ करना। इसके लिए इंदौर नगर निगम ने 19 क्षेत्रों को 4 टीमों में विभाजित किया है। प्रतियोगिता के लिए टीम के कप्तान रेडियो जॉकी नागरिकों को अपने रेडियो स्टेशन से अधिक प्लास्टिक दान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इन टीमों को नगरपालिका कार्यकर्ताओं और 5 वाहनों द्वारा प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए प्रदान किया गया है। तो आपको याद रखना है, जो PPL प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता है, इसको इंदौर शहर में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है इंदौर शहर से जो पुराना प्लास्टिक है उसको समाप्त करना, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको समाप्त करना। और जो इंदौर शहर है, ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर भी है। ये थे हमारे अक्टूबर महीने के टॉप 200 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का पार्ट 2 के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। इस PDF में आपको अक्टूबर महीने के 250 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप फुल डिटेल में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। इस PDF को पढ़ने के बाद आपको कोई भी मैगजीन या फिर वीडियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।